चलिए आगे बढ़े, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो FIIs हमने देखा है कि कुछ आना जाना उनका, खरीदारी बिकवाली लगातार जारी है, लेकिन मंगलवार को 1350 करोड़ के आसपास की हमने खरीदारी बनते हुए देखी थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बात करें तो 950 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वहां से निकल कर आया है। FIIs की तरफ से तगड़ी बाइंग हमने स्टॉक फ्यूचर्स में आते हुए देखी, इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ से आते हुए देखी। FNO स्पेस में 1150 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल मंगलवार को हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ओके, चलिए अब हम जरा एक बार मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार का मूवमेंट हमने बनता हुआ देखा। तो हमारे मार्केट्स की बात करें, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, हमारे मार्केट्स में हमने 390 अंक मजबूत निफ्टी को बंद होते देखा, 1280 अंकों की स्ट्रेंथ सेंसेक्स में देखी और 1000 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत दिखाई दे रहे, उन सबके बीच हमारे मार्केट में आज क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं और काफी इवेंटफुल दिन रहा है कल इंटरनेशनल मार्केट में और आज भी पॉजिटिव क्यूज है हमारे लिए। सर कोई रणनीति में बदलाव निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा, रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल खरीदारी की रणनीति के साथ ही उतरेंगे और अक्टूबर का महीना बाजारों के लिए अच्छा है। ये लगातार हम अक्टूबर की शुरुआत से भी और साथ ही इस सीरीज की शुरुआत से कह रहे हैं। अब आप देखिए पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजार काफी तेजी से भागे हैं, उसके अलावा कल भले हल्के से नुकसान के साथ बंद हुए हों लेकिन ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। तो मेरा ये समझना है कि जितना कम गैप के साथ खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदने का मौका बनेगा। फिगर्स भी आपके लिए FIIs की तरफ से, घरेलू फंड की तरफ से और बेहतर होते हुए दिखाएं, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ चलें, कम गैप मिले खरीदारी करें। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 17,500 तक जाने की तैयारी निफ्टी की तरफ से होती हुई दिखी, तो वहां तक जाने की कोशिश करेगा और जो सपोर्ट है अब निफ्टी के लिए वो 17,200-17,275 की रेंज में आपको मिलेगा। आज वीकली एक्सपायरी भी है तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको गैप से खुलने के बाद आ जाए, लेकिन अगर किसी भी लेवल से आपको 7500 पॉइंट निफ्टी दिन के दौरान करेक्ट होता है तो वहां से फिर से एंट्री करने का मौका बन सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग पर फिर से खरीदारी का ध्यान रखें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अच्छी मजबूती के बाद बैंक निफ्टी अब 39,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा, तो आज के लिए जो सपोर्ट जोन है 39,050-39,175 रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 39,700-39,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आई थिंक आज और कल के लिए भी दोनों दिन रुझान पॉजिटिव साइड पर बनाकर रखें। एक ही चिंता की बात थोड़ी सी है और वो है कच्चा तेल जो बढ़कर आया है, लेकिन कच्चे तेल के अलावा बाकी फैक्टर सारे बेहतर हैं। तो आई थिंक तेजी के साथ ही बने रहना चाहिए और खरीदारी के रुझान देखना चाहिए। दूसरी चीज एक और है नेहा जो आज के लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अब तेजी की तरफ थोड़ा बढ़ेगा, तो ब्रॉडर मार्केट पर भी ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। जी।